हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं मिनी ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं। इसका प्राइस जो है कि 389 रुपीज जो है कि पड़ा है, और इसका जो है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी यह है कि ये फ्लिपकार्ट ब्रांड है, और फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय खुद इसको ब्रांड को जो है कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, और ये जो है कि हमने ब्लॉगिंग करने के लिए मंगाया है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाले। अगर आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसको देखिए, और अगर इस तरह के जो कि मिनी ट्राइपॉड मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे चलिए हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये है बॉक्स, और ये पैकेट कुछ इस तरह पैक होकर आया है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक पेपर है जो कि इसको मैं इसमें बिल वगैरह है, और इसको मैं चलिए साइड करता हूँ। और ये रहा हमारा ट्राइपॉड, देख सकते हैं। और इसका जो है कि फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है, और इसको इस तरीके से जो कि देख सकते हैं। और इधर जो है कि इधर लिखा हुआ है प्रोडक्ट जो है कि आउट कैप ट्राइपॉड। साइज जो है कि इसका 30 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर है, और इसमें जो है कि देखिए 1.2 kg तक ये भार ले सकता है। इसका वेट की बात करो 0.32 kg इसका वेट है, और इसका जो है कि मटेरियल जो है कि हाई इलास्टिक प्लास्टिक से बनाया गया है, प्लास्टिक का बना हुआ है, काफ़ी हाई प्लास्टिक है। अब इसको हम यहाँ से भी बैग देखिए, इसमें मोबाइल भी यूज कर सकते हैं, DSLR भी यूज कर सकते हैं, और GoPro भी यूज कर सकते हैं। फ़ोन होल्डर और GoPro क्लिप इसमें नहीं दिया गया है, और इसमें जो है कि इस तरीके से जो है कि देख सकते हैं, इस तरीके से जो है कि इसको यूजेज कर सकते हैं, जो कि पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है कि पूरा डिटेल जो है कि बायोडाटा इस पर दिया गया है, और 12 इंच का है, 12 इंच इसका हाइट है। और इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं बॉक्स को, और ये जो है कि इस तरीके से जो है कि देख सकते हैं, ये बॉक्स में कुछ नहीं रहा, और इसको मैं बॉक्स को साइड में रखता हूँ। अब ये मेन प्रोडक्ट हमारा ये रहा, जैसे देखिए ये रहा, और इसको हम यहाँ से ये देखिए, ये जो है कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है, लेकिन इसमें जो है कि और भी बढ़िया क्वालिटी आता है जो कि आप अलग से मंगा सकते हैं। ये है देखिए, ये है ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है, और इसको इधर से रिमूव इधर उधर कर सकते हैं, आप जिधर भी चाहें उधर रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको यहाँ से फ़ोन में लगा सकते हैं। कैसे फ़ोन में लगाना है वो भी मैं बताता हूँ। इसको देखिए इस तरीके से जो है कि इसको ढीला कर सकते हैं, इसको फिक्स करना है तो इसको ऐसे करके कस के टाइट कर दीजिए ताकि ये इधर उधर घूमे ना। तो देख सकते हैं ये फिक्स हो जाता है, और इसको जितना कसेगा उतना ये फिक्स होगा। तो ये जो है कि प्लास्टिक का बना हुआ है, ये पूरा प्लास्टिक है, ये देखिए इसमें भी ये प्लास्टिक है, लेकिन है ये मजबूत, जो बाकी जो होता है उससे ये मजबूत है। इसको तोड़िए तो नहीं टूटेगा, प्लास्टिक बहुत मजबूत है। ये यहाँ से जो है कि इसको खोल सकते हैं, और इसको खोल के जो है कि यहाँ पर कैमरा DSLR वगैरह जो है वो यहाँ पर DSLR लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे DSLR लगाना चाहते हैं तो DSLR लग जाएगा, बाकी अदर जो है लगाना चाहते हैं, जैसे ये लग मान के चलिए हम यहाँ लगाना चाहते हैं तो ये यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। रोटेट नहीं करना है, मान के चलिए सीधा आपको ब्लॉक बनाना है, इधर उधर नहीं घुमाना है, इसको बिल्कुल इस तरीके से लगा लीजिए, इसमें मोबाइल लगा लीजिए ऐसे करके। अब मान के चलिए आपको इधर उधर घुमाना है तो कोई बात नहीं, इसके लिए और भी चीज़ें दिया गया है, जैसे देख सकते हैं ये दिया गया है, इसको यहाँ लगा लीजिए, ये काफ़ी मजबूत है, देखिए ये काफ़ी मजबूत है, रोटेट करने के लिए दिया गया है, इसको यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। इसको लगा लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से इसको यहाँ लगा लीजिए, ये देखिए इसको थोड़ा नीचे कीजिए इसको, और इसको यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। और इसमें मोबाइल लगाना है, मोबाइल कैसे लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें इस तरीके से जो कि लगा लिए, इसको टाइट कर लीजिए, और टाइट करने के बाद जो है कि आपको बताता हूँ मोबाइल कैसे लगाना है। और जैसे इसमें इस तरीके से मोबाइल लगा लेना है, और इसमें जो है कि ब्लॉगिंग वगैरह करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि इस तरीके से जो कि ब्लॉगिंग करना है, और इसमें ऐसे लगा दीजिए, इसको जिधर मान के चलिए ऐसे घुमाना है, मान के चलिए इधर घुमाना है तो ये ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके ये देखिए, तो अब जो है कि यहाँ पे मैं कैमरा चालू कर लेता हूँ, एक बार कैमरा मैं यहाँ चालू कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है कि ये रहा कैमरा, और ये देख सकते हैं ये कैमरा रहा, और यहाँ पे जो है कि इस तरीके से जो कि ब्लॉगिंग कर सकते हैं।
और पहले क्या था कि मोबाइल को पकड़ने में दिक्कत होता था, आप जो है कि इसको सीधा ऐसे करके जितना दूर तक चाहें उतना देर तक ब्लॉगिंग कीजिए, वीडियो बनाइए, काफी मस्त आएगा वीडियो। और इस तरीके जैसे अभी देख सकते हैं हमारा ये फोन में जो है कि रिकॉर्ड हो रहा है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ और ज्यादा ऊपर था, तो अब देखिए इस तरीके से जो है कि ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया प्रोडक्ट मुझे लगा, और बाकी आप लोग बताइएगा कैसा प्रोडक्ट है। इसको देखिए क्लिप को ये मान के चलिए ढीला कीजिएगा, ये जीधा चाहिएगा उधर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है कि आपको बहुत ही बढ़िया मुझे लगा प्रोडक्ट। और अगर इधर उधर घुमाना नहीं है तो इसको यहाँ से खोल के हटा दीजिए, जैसे कि पिछले वीडियो अभी हमने पीछे खोल के दिखाया था। तो बाकी इस तरीके से जो है कि अनबॉक्सिंग वीडियो कर सकते हैं, ये काफी मुझे अच्छा लगा, देखिए कितना बढ़िया। इसको जैसे भी रोटेट कीजिएगा वैसे रोटेट हो जाएगा, मान के चलिए कहीं ऐसे लगाना है तो ऐसे ये लग जाएगा, और इसको जैसे भी करना चाहते हैं जैसे लग जाएगा। देखिए ऐसे रखना चाहते हैं इसको ऐसे, तो ये ऐसे जमीन पे भी रह जाएगा, देखिए ऐसे खड़ा करना है नीचे जमीन पे भी ये खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मुझे अच्छा लगा। और बाकी हमने जो पिछले बार मंगाया था तो क्या था कि जैसे जो ग्रोलिया ट्राइपॉड था ना वो बीच से निकल जाता था, तो वो बिल्कुल बेकार हो गया था। लेकिन मुझे ये लगा ये सही है, इसमें पेच वगैरह से कसे हुए, देखो ये पेच अगर ढीला होता तब भले ये खराब हो सकता है, बाकी तो इसको चांस नहीं बनता है कि हाँ ये खराब हो सकता है, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से आप जो है कि आपको हम रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे। अब एक माइक, अब मुझे बाकी रह गया इसमें माइक लगाने का, जो कि माइक जो है कि लेंगे बोया बाई बोया का एक माइक आता है M1, और उसको यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे लगता है। इसमें तो शायद क्लिप नहीं दिया है, तो मुझे वहाँ पे क्या करना होगा ये भी चेंज करना होगा। अगर आप माइक यूज करेंगे, माइक देखिए माइक लगाने के लिए यहाँ पे हॉल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे नीचे हॉल है ना, सेम उसी तरीके से इसमें हॉल होना चाहिए, तभी यहाँ पे माइक लगा सकते हैं, नहीं तो माइक नहीं लगेगा। तो अभी हम धीरे धीरे जो है कि सामान जुटा रहे हैं, और उसके बाद जो है कि रेगुलर ब्लॉगिंग करेंगे। अभी हम लोग घर के ही ब्लॉगिंग करेंगे, जैसे घर में रिलेटेड जो है कि जानकारियां देंगे। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अपने लिए नमस्ते, जय हिंद।